हरे कृष्णा। भगवद गीता की ऑडियो नंबर 136 में आप सबका स्वागत है। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री राधा गोविंद देव जी की जय। आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी चर्चा भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक पर। पहले मैं संस्कृत में पढ़ रहा हूं। ना त्वेवाहं जातु नासं ना त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे व्यमत परम। श्री भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं और या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हों, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो भगवान अर्जुन की उस चिंता को दूर कर रहे हैं कि अगर तुम युद्ध करोगे और ये सब राजा अगर मारे जाएंगे, तुम्हारे परिवारजन मारे जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये दोबारा प्रकट हो जाएंगे। या तो इन्हें दोबारा भौतिक शरीर मिलेगा या आध्यात्मिक शरीर मिल जाएगा, और ये हमेशा थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। तो भगवान बड़ा क्लियरली एस्टैब्लिश कर रहे हैं इस बात को। मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ जब मैं ना रहा हूँ, यानी भगवान ने अपने बारे में भी क्लैरिफाई किया, तुम ना रहे हो अर्जुन, तुमको भी मैं बता दूं कि तुम भी हमेशा से थे, आज हो और आगे भी रहोगे। और ये राजा ना रहे हों, ऐसा नहीं है कि भाई चलो आप कहो जी आप तो भगवान हो और मैं आपका भक्त हूं तो शायद इसलिए ऐसी स्थिति है, तो नहीं। ये राजा चाहे कितने भी पाप कर रहे हैं आज, लेकिन भगवान की जो बनाई हुई सृष्टि है उसका सिस्टम यही है कि हमेशा से ये राजा भी थे, आज तो दिख ही रहे हैं आपको अर्जुन, और कल जब आप इनको वध कर दोगे तो उसके बाद भी ये रहेंगे। जैसे मैंने कहा, या तो इनको भौतिक शरीर मिलेगा या आध्यात्मिक शरीर मिल जाएगा। श्री प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में ये बात बड़ा क्लियरली एस्टैब्लिश की है, क्या कि निराकार वाली थ्योरी इस श्लोक से एक्सेप्ट करना मुश्किल है। मतलब एक तरह से ये थ्योरी निराकार थ्योरी को काटती है। निराकार थ्योरी क्या कि हम पहले ज्योत थे और अब हम इंसान बन गए, या भगवान पहले ज्योत थे अब इंसान बन गए, या निराकार थ्योरी का एक दूसरा हिस्सा, अभी हम इंसान हैं, मरने के बाद हम ज्योत बन जाएंगे, या ये सोच कि भगवान जब भगवान थे तो थे, अब वो ज्योत बन चुके हैं। नहीं, ज्योत की बात तो भगवान नहीं कर रहे। भगवान तो कह रहे हैं मैं हमेशा से था, अर्जुन तुम भी थे, ये राजा भी थे, आज तो हम सब हैं ही और आगे भी हम सब रहेंगे। तो ज्योत में मर्ज हो जाने की बात तो भगवान नहीं कर रहे, वो तो कह रहे हैं मैं पहले था, आज भी हूँ, आगे भी रहूँगा। तो श्री प्रभुपाद ने बड़े स्ट्रेस देके इस कंसेप्ट को इस पर समझाया अपने तात्पर्य में। भगवद गीता में भी अगर हम 24वें श्लोक पर जाएँ, 7वें अध्याय के, तो वहाँ पर भगवान कहते हैं कि बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं, यानी भगवान अपने बारे में बात कर रहे हैं, पहले निराकार था। भगवान साफ साफ बोल रहे हैं, देखिए 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में, बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था और अब मैंने स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरे अविनाशी और सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान सकते। मैं एक भक्त की एक्सप्लेनेशन सुन रहा था, तो उसमें वो बता रहे थे कि महाभारत सीरियल में दिखाया गया था कि भगवान एक प्रकाश पुंज के रूप में, यानी कि एक ज्योति के रूप में, देवकी और वसुदेव के पास आए तथा उससे श्री कृष्ण बन गए। यानी कि भगवान के जन्म की लीला के समय का सीन महाभारत सीरियल में जो टीवी में दिखाया गया था उसमें इस तरह से बताया गया। इसका अर्थ यही हुआ कि श्री कृष्ण अपने जन्म के पूर्व एक निराकार ज्योति थे। तो उन भक्त का ऐसा कहना था कि ये प्रस्तुतिकरण ठीक नहीं है कि एक ज्योत से भगवान बन गए, ऐसा नहीं है, राइट? इसी बारे में हम भगवद गीता के अंदर 12वें अध्याय में भी कुछ पढ़ेंगे। 5 श्लोक हैं एक साथ जो निराकार के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं। 12वें अध्याय का पहला श्लोक है, अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, ये वही निराकार की बात हो रही है, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण अर्थात सिद्ध माना जाए? यानी अर्जुन ने ये प्रश्न किया भगवान से। फिर दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं, यानी जो भगवान का द्विभिज रूप है या एक टाइम विष्णु जी का चतुर्भुज रूप है,
तो जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो भगवान ने एकदम क्लियर किया। फिर आगे और बताया भगवान ने, लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबके प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। यानी भगवान ने पहले तो यही बोला कि साकार रूप के सिद्ध हैं, लेकिन जो निराकार में पूजा कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप को इंद्रिय संयम में और दूसरे अच्छे रास्तों पर चले जाते हैं, निराकार में भी कर तो भक्ति रहे हैं ना अपनी तरफ से, तो भगवान ने कहा अंततः, यानी कि थोड़ा देर होगी, वो रास्ता उतना परफेक्ट नहीं है लेकिन रॉन्ग भी नहीं है, अल्टीमेटली वो उसको मिल जाएगा। लेकिन भगवान ने कॉशन किया पांचवें श्लोक में, जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति करना सदैव दुष्कर होता है। तो भगवान ने क्लियरली अर्जुन को समझा दिया, जब अर्जुन ने पहले श्लोक में 12वें अध्याय के, जिसका नाम भक्ति योग है, ये पूछा कि भगवान मैं साकार भक्ति करूं या निराकार, तो भगवान ने कहा देखो साकार वाले बेटर हैं। फिर तीसरे चौथे श्लोक में ये भी बता दिया कि अल्टीमेटली वो मुझ तक आते हैं, ऐसा नहीं है कि उनका एफर्ट वेस्ट नहीं जाएगा, अल्टीमेटली वो भगवान तक पहुंचेंगे, या तो इसी तरह से पहुंचेंगे कि जब बहुत जन्म तक निराकार भक्ति करते रहेंगे तो उनको इवेंचुअली फाइनली साकार भक्ति में इंटरेस्ट आएगा और फिर वो भगवान के धाम पहुंचेंगे। तो और पांचवें श्लोक में उन्होंने ये भी कहा कि वैसे अगर निराकार के रूप में भक्ति करने की कोशिश करोगे तो ये बहुत ही मुश्किल है, सदैव दुष्कर है, कष्टकर है ना। तो आई होप कि हम इस श्लोक का एक बेसिक मीनिंग समझ पाए होंगे कि भगवान ये कहना चाहते हैं कि पहले भी मैं था, आज भी मैं हूँ, आगे भी मैं रहूँगा, और इसी तरह से सभी जीवों की भी यही स्थिति है। तो आप सब से यही प्रार्थना, हरे कृष्ण महामंत्र जपते रहिए, और अभी श्लोक पर चर्चा हम और विषयों को लेकर करेंगे अगली ऑडियोज में, आप प्लीज सुनते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपकी सेवा में नरहरि प्रहलाद दास।